स्टूडेंट्स, अज आप करांगे टॉपिक साडा वा भाषा जां बोली लैंग्वेज। यह जिहड़ा टॉपिक आ, फस्ट ऑफ ऑल तुसी इस नूं रिवाइज़ भी करना मेरे नाल नाल, ते अपनियां फिर नोटबुक ते इहनां नूं लिखना वी आ, ठीक है। जिवें तुसी पहले जिहड़े टॉपिक आ लिखे आ ना, उसे तरीके नाल भाषा जां बोली वाला टॉपिक भी अपनियां फिर नोटबुक ते लिखना। ते हुण आपां इहनूं रिवाइज़ करांगे। सब तो पहला आपां करांगे परिभाषा। भाषा जां बोली एक अजिहा साधन है जिस राहीं मनुख अपने विचारां अते मन दे भावां नूं दूजे नाल सांझा करता है। जिहड़ी भाषा वा, इसका किसी भी सभ्यता विच जिहड़ा बहुत ज़्यादा महत्व वा, क्योंकि भाषा तो बिना असीं बिल्कुल अधूरे हाँ। जेकर साडे कोई लैंग्वेज भाषा ही ना होवे, आपां अपने विचार एक दूजे नाल सांझे नहीं कर सकते। आपां जेकर आपां इमेजिन करिए कि साडे कोल कोई लैंग्वेज ही नहीं है, आपां किसी ने कोई गल दसनी होवे तां आपां बिल्कुल गूंगियां दी तरह एक दूजे वल वेखांगे, पर सानूं समझ नहीं आऊगी कि आपां दूसरे नूं अपनी गल, अपने मन दी भावना किद्दां समझा सकीए। इस करके ये जिंदगी विच बहुत ही जरूरी है। किसी भी सभ्यता वास्ते भाषा का होना बहुत ही लाजमी है। यह साधन वक्रे वक्रे हैं, जिहड़ा साडी एक दूजे नाल विचार करन दा, अपने मन के जो भाव एक दूजे सांझे कर साधन आ, वो वक्रा वक्रा वा आपो अपनी सभ्यता अनुसार, जिमें इशारिया या तस्वीर खिंच के। पहला समा इदा ना हों, जो किसी कोई बोल नहीं होंगे, कोई लैंग्वेज नहीं होंगी, बस वो इशारिया एक तस्वीर खिंच के अपनी जी भावना ही दूसरे सांझी करते, उन्होंने गलबात करते सन। हूँ भाषा का अजोका रूप हौली हौली होद में आया है। मूल रूप में भाषा मौखिक रही है। मौखिक मीनज बोलचाल की भाषा, जिहड़ी आपां मूंह नाल बोलदे आं उह ही रही है। लिखती रूप बाद विच होद विच आया। तो बोली शब्द जिहड़ा वा बोल तो ही बनिया है, ठीक है। अगे आ भाषा नूं आपां दो प्रकार नाल वंड कर सकते हैं, इसकी आम बोलचाल की भाषा ते टकसाली जां साहित्यक भाषा, ठीक है। तो पहला इहदा मौखिक रूप ही होद विच आया सी। सब तो पहला आपां करांगे आम बोलचाल की भाषा जां बोली। आम बोलचाल की भाषा वह हुंदी है जो कि असी रोजाना जिंदगी विच गलबात करन लई वरतदे हाँ। इस विच कुछ शब्द अधूरे छड्डे जांदे हन, फिर भी दूजे नूं गल समझ आ जांदी है। यह खेतर अनुसार हुंदी है। इहदा मीनस आ कि जिदा आपां नॉर्मल अपने घरां विच गलबात करदे हाँ, अपने दोस्तां नाल, अपने माता पिता नाल, किसी नाल भी, जिहदे विच आपां कुछ शब्द जिहड़े अधूरे वरत लैंदे आ, कुछ पूरे वरत लैंदे आ, जिवें ही सानूं समझ चंगे तरीके नाल आपां किसी नूं समझा सकी उस तरीके नाल आपां गलबात करदे हाँ, ठीक है। इस विच कुछ शब्द साडे अधूरे भी रह जांदे आ, कुछ पूरे भी हुंदे आ, उस नूं आपां कहिंदे आ बोलचाल दी भाषा, जिहड़ी असीं रूटीन विच आपां वरतदे हाँ। ये खेतर अनुसार हुंदी है, भावें ये आपो अपने इलाके अनुसार हुंदी है। जिवें पंजाब की गल कर लईए, पंजाबी भाषा साडी मेन भाषा वा, ते अगे माझी, मालवी, दुआबी, ये सारियां की आ साडे खेतर इलाके अनुसार साडियां भाषावां हन। अगे दूसरी जिहड़ी आ इहदी किस्म आ टकसाली जां साहित्यक भाषा। जिहड़ी बोली जां भाषा दी वरतों लिखण समें कीती जांदी है, उसनूं टकसाली जां साहित्यक लिखती भी आख्या जांदा है। भाव जिहड़ी भाषा आपां स्कूलां, कालजां, दफ्तरां विच वरतदे हां, कोई साहित लिखण वास्ते, लिटरेचर लिखण वास्ते आपां वरतदे हां, टकसाली रूप जिहदा बिल्कुल सुधरिया होया रूप सानू प्रदान किया गया है साडी पढ़ाई विच वरतण वास्ते, दफ्तरां विच वरतण वास्ते, उसनूं आपां कहिंदे हां टकसाली जां साहित्यक भाषा, ठीक है। जदों आपां फॉर एग्जाम्पल जदों आपां कोई एप्लीकेशन लिखनी हुंदी, उस विच वी आपां पूरे तरीके नाल तोल के टकसाली रूप, साहित्यक रूप विच लिख देंगे, किसी नूं उह चीज़ सही तरीके नाल वधिया लगे। आपां अहीं आम बोलचाल दे रूप च अपनी कोई भी एप्लीकेशन जां अर्जी नहीं लिखते, उसनूं आपां कहिंदे हां साहित्यक जां टकसाली भाषा। यह सी साडा टॉपिक भाषा जां बोली, आम बोलचाल दी भाषा, टकसाली जां साहित्यक भाषा। इसनूं तुसीं अपनी नोटबुक ते लिखना भी ते रिवाइज़ भी करना। ओके, थैंक यू।